कामना है कि जो लोग उपचाराधीन हैं वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। और इधर भीषण गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट से जूझ रही है, कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। गीता कॉलोनी क्षेत्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी अपने घरों से खाली बर्तन लेकर पानी भरने के लिए टैंकर पर टूट पड़े हैं। एक ओर देश की राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के लिए मारामारी देखी जा रही है। वीडियो में एक स्थानीय महिला का कहना है कि यहां पानी के लिए जंग हो रही है। कभी भीड़ में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो कभी छीना झपटी, और लोग पानी के लिए धक्का मुक्की करते हुए लड़ाई करने को उतारू हो जाते हैं। एक अन्य वीडियो नई दिल्ली क्षेत्र का भी वायरल हो रहा है। नई दिल्ली, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, यहां टैंकरों के आते ही लोग पानी भरने के लिए टैंकर के पीछे भागते हुए नजर आए, और जब भीड़ के बीच धक्का मुक्की हुई तो लोग टैंकरों पर चढ़ गए। जल संकट से परेशान कई महिलाएं दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। एक ओर जब केजरीवाल जेल में थे तो चिट्ठी लिखकर दिल्ली की जनता को पानी और सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने की बात कहते थे। आज केजरीवाल बाहर हैं, लेकिन दिल्ली की जनता पानी की कमी के कारण त्राहिमाम कर रही है। आधा टैंकर आता है पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हजार की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम, जब पानी की भरपाई होगी। जिसके पास कमाई नहीं है वो बरमे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है, मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। आपकी समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। हम किसी बच्चे को, बेटी भी कहती है आने के लिए छुट्टियों में, हमने वो भी नहीं बुलाई है क्योंकि पानी नहीं है। बहू है वो अपने पीहर में भेज दी है, पानी नहीं है। 4 हजार से कम से ऊपर की आबादी है, और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है, और डेली की यहाँ मार है। कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। तो पानी के लिए मचा है हाहाकार, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, लेकिन लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जबकि गर्मी अपने शबाब पर है। और इधर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का आज निरीक्षण किया। आपको बता दें कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट बना हुआ है, कई इलाकों में पानी की कमी को लेकर हाहाकार है। वहीं इसी मुद्दे पर भाजपा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर है।